स्टडी मेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही शानदार, जानदार और जादुई रहने वाला है। आज के वीडियो में आप जादू के द्वारा सामने वाले का जन्मदिन कब आता है ये बहुत ही आसानी से चुटकियों में पता लगा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जोड़ना आना चाहिए संख्या को, गुणा करनी आनी चाहिए संख्या को और उस संख्या से कुछ घटाना भी आना चाहिए। तो जोड़, घटाओ और गुणा विधि द्वारा हम आज के वीडियो में सामने वाले का जन्मदिन किस प्रकार पता करें वो हम बताने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही और मनोरंजनपूर्ण और शानदार वीडियो हम जब भी लेकर आएं तो आपको उन वीडियो का नोटिफिकेशन या फिर जो सूचना है वो आपको आसानी से प्राप्त हो। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम इस वीडियो में सामने वाले का जन्मदिन ज्ञात करने के लिए सात चरणों का पालन करेंगे कि सात स्टेप में हम पता कर लेंगे कि सामने वाले का जन्मदिन कब है। सात चरणों में आपको पहले चरण में गुणा आना चाहिए, दूसरे चरण में आपको जोड़ आना चाहिए, तीसरे चरण में फिर गुणा, चौथे चरण में जोड़, पांचवें चरण में गुणा और छठे चरण में जोड़ और जो अंतिम चरण है सातवां उसमें आपको घटाने से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज का ये मैजिक वीडियो। सबसे पहले आपको पहले चरण में क्या करना है, पहले चरण में आपको सामने वाले से उसके जन्मदिन का जो महीना है वो आपको पूछना है। महीने साल में 12 होते हैं, उन 12 महीनों में किसी एक महीने में सामने वाले का जन्मदिन होता है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीनों में कोई सा भी एक महीना उससे पूछें तो वो बता देता है कि ये महीना मेरे जन्मदिन का है। तो आपको क्या करना है, पहले चरण में उस महीने की जो संख्या है, जैसे पहला महीना है तो एक लिख दें और उसको हमें गुणा करना है। अपने हाथ में कितनी अंगुलियां होती है, पांच अंगुलियां होती है, तो उस महीने को पांच से गुणा करें। जैसे किसी का जन्मदिन जनवरी में आता है तो जनवरी कौन सा महीना है, क्रम से पहला महीना ही है, तो पहले महीने को पांच से गुणा करते हैं तो बराबर में अपने पास आगे क्या आता है, जो संख्या आती है वो पांच आती है, तो हम वो पांच लिख देंगे। अब ये अपना पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट हो चुका। अब दूसरे स्टेप में चलते हैं। अपने पास जो पांच आए हैं आगे गुणा करने पर, उन पांच में हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें दूसरे स्टेप में हमें उसमें छह जोड़ना पड़ेगा। पांच और छह दोनों जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, दोनों जोड़ते हैं तो अपने पास 11 संख्या प्राप्त हो जाती है, एक और एक 11 हो गए। इस प्रकार दो चरण जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चरण की ओर, मतलब तीसरा चरण। तीसरे चरण में आपको क्या करना है, तीसरे चरण में दूसरे चरण का जो भी टोटल आया है, जो भी कुल योग आया है, मतलब यहां हमने देखा कि वो अपने पास 11 आया है, तो उस 11 को हम तीसरे चरण में क्या होते हैं, अपनी जो डायरेक्शन होती हैं, दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, तो वो दिशाएं अपनी चार होती हैं, तो तीसरे चरण में उस संख्या को आपको चार से गुणा करना है। मतलब हमारे पास यहाँ हम जनवरी महीना लेके चल रहे हैं तो उसमें अपने पास दूसरे स्टेप में 11 आए थे, तो 11 को हमें चार से गुणा करना पड़ता है।
और ये कितने हो जाते हैं, ये 44 हो जाते हैं। इस प्रकार तीसरा स्टेप जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमें बढ़ना है चौथे स्टेप की ओर। चौथे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप का जो गुणनफल आया है, मतलब जो 44 संख्याएं आई हैं, 44 आया है 44, उस 44 में अपने नवरत्न जो होते हैं, अपने रत्न कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस संख्या में हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। तो चौथे चरण में हम क्या करेंगे, उस 44 में 9 जोड़ देंगे तो अपने पास 53 मतलब 53 अपने पास आ जाते हैं। तो अपने पास वो 53 आ जाते हैं, मतलब अपना चौथा चरण भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पांचवें चरण की ओर। पांचवें चरण में क्या करना पड़ता है, पांचवें चरण में हम उस संख्या को फिर से अपनी उंगलियों से गुणा करते हैं, मतलब उंगलियां कितनी होती हैं हाथ में, 5, तो पंजे से उसको दोबारा हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अपने पास 53 आए थे, 53 आए थे, उसको हम 5 से गुणा करते हैं तो अपने पास कितने आ जाते हैं, 265 कितने आ जाते हैं, 5 × 3 = 15 और 5×25 = 26, 265 अपने पास आ जाते हैं। 265 अपने पास पांचवें चरण में आ गए। अब हम बढ़ते हैं छठे चरण की ओर। छठे चरण में हमें क्या करना है, वो 265 अपने पास आए थे तो उसमें क्या करना है, अब क्या करना है, वो आप जहां पर ये लिख रहे हो पांचवें चरण के बाद में छठे चरण में आप सामने वाले को वो नोटबुक, वो कागज और पेन दे दो और सामने वाले को कहो कि ये जो 265 आए हैं इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपनी जन्म तारीख जो है वो आपको जोड़नी है। तो वो जितनी भी तारीख होंगी वो उसमें जोड़ देगा, जैसे कि 1 से लेकर 31 तारीख तक किसी भी एक तारीख में सामने वाले का जन्मदिन हो सकता है, तो वो क्या करेगा, वो तारीख उसमें जोड़ देगा। फिर कुल योग कर देगा कि वो जोड़ने के बाद में कुल संख्याएं कितनी आई है। तो इस प्रकार जो अपना छठा चरण है वो भी यहाँ समाप्त हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम चरण की ओर, जिसमें हमें ये पता लग जाएगा कि सामने वाले का जन्मदिन कब है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम चरण में। अंतिम चरण में जाने से पहले हम आपको बता दें कि पांचवें चरण में अपने पास 265 आए थे, 265 संख्या आई थी, और मान लो छठे चरण में उसके जन्मदिन की जो तारीख है वो 1 जनवरी है, तो हम क्या करेंगे, वो 1 उसमें जोड़ देंगे। तो 265 में 1 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 266 हो जाएंगे। 266 होने पर छठा चरण कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अंतिम सातवें चरण की ओर। अंतिम सातवें चरण में क्या होता है, अपने पास जो भी छठे चरण में कुल योग आया है, कुल योग कितना आया था, तो यहाँ अपने पास आया था 266। तो सातवें चरण में आपको जो भी योग आए उसमें से 165 आपको घटा देना है। तो हम 266 में ही से 165 घटाएंगे तो अपने पास 101 बचता है, 101। तो इसमें हम देखें तो जो भी आपके पास सातवें चरण में कुल घटाने के बाद में जो भी संख्या आएंगी उसमें इकाई दहाई जो दो संख्याएं हैं वो आपको क्या प्रदर्शित करेंगी, वो आपको प्रदर्शित करेंगी सामने वाले का जन्मदिन। या हमें 1 और 0 और फिर 1 ऐसे तीन संख्याएं अपने पास आई हैं, इकाई में 1, दहाई में 0 और सैकड़ा में 1, तो हमें यहाँ दहाई तक संख्याएं लेनी है। तो इकाई में 1 और दहाई में 0, मतलब 01 अपने पास आया है, तो यहाँ हमें पता चल गया कि सामने वाले का जन्मदिन 1 तारीख को है। और फिर आगे सैकड़ा और हजार में
जो भी संख्याएं आती हैं, यह अपने पास सैकड़ा में एक आई है और हजार में कोई संख्या नहीं है। तो जहां 10-9 महीने से आगे जो महीने आते हैं उसमें हजार में संख्या चली जाती है, तो यहाँ सैकड़ा में ही सिर्फ एक आया है, मतलब वो कौन सा महीना है, जनवरी है। अगर हजार में संख्या चली जाती तब यहाँ क्या होता, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, इन तीनों में से कोई एक महीना हो जाता। तो यहाँ आपने देखा कि 101 आया है, मतलब पहला महीना और एक तारीख को उसका जन्मदिन है। तो इस प्रकार अगर सामने वाले को इसमें कुछ गड़बड़ लगे तो आप सातों चरण उसी से करवाने के लिए कहें। पहले चरण में उसी को बोल दें कि आपका जो जन्म का महीना है उसे आप 5 से गुणा करें और जो भी संख्या आई है वो मुझे ना बताएं, वो अपने पास उस कागज में लिखकर वो रखें। दूसरे चरण में उसको बोल दो कि उस संख्या में आपको 6 जोड़नी है और वो भी आपको नहीं बतानी है टोटल कितना हुआ है। तीसरे चरण में गुणा करना है तो आप वो संख्या बता दो कि आपको किससे गुणा करना है, 4 से करना है या किससे करना है, फिर वो टोटल भी उससे मत पूछो। पांचवें चरण में उसमें क्या जोड़ना है सिर्फ आप वो बताओ, सामने वाला वो जोड़ लेगा, आपको कोई भी संख्या अभी तक मालूम नहीं है। पांचवें चरण में फिर आपको गुणा, आप उसे गुणा करने के लिए कहें, वो 5 से गुणा कर देगा, फिर भी आपको वो संख्याएं नहीं मालूम। छठे चरण में आप उसे उसका जन्मदिन की जो तारीख है वो जोड़ने के लिए कहोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं पता है। सातवें चरण में आप उसे 165 घटाने के लिए कहेंगे, तब भी आपको नहीं पता कि वो कितनी संख्याएं हैं। फिर आप उससे वो टोटल जो संख्याएं आई हैं घटाने के बाद में वो उससे पूछ लें, क्योंकि वो पूछेंगे तब आप उसे बता सकते हो कि आपका जन्मदिन किस तारीख को किस महीने में है। तो वो संख्याएं या तो आपको 3 मिलेंगी लास्ट में या फिर 4 संख्याएं मिलेंगी, या तो वो सैकड़ा में मिलेंगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, या फिर वो हजार तक भी हो सकती है। अब मान लो कि वो लास्ट में उसने 165 घटा दिए तो उसके पास जो संख्याएं शेष बची हैं तो वो आ जाती हैं 1221, 1221। इस प्रकार अगर वो संख्याएं आ जाती हैं तो आप इकाई दहाई पर जो संख्याएं हैं, इकाई पर एक है, दहाई पर दो, तो लास्ट की दो संख्याएं जो हैं वो तो उसके जन्मदिन को प्रदर्शित करेंगी। तो 21 तारीख तो उसकी जन्मदिन हो गई और उससे सैकड़ा और हजार आगे की दो जो संख्याएं हैं वो उसका महीना प्रदर्शित करेंगी कि वो कौन से महीने में जन्मा है। तो यहाँ हम देखें 12 आई है, 1 2, सैकड़ा में 2 और हजार में 1, तो वो 12 आई है, तो 12वें महीने की 21 तारीख को उसका जन्मदिन है। तो इस प्रकार भी आप उसको ये करने के लिए बोल सकते हो, फिर तो उसे आपके जादू पर पूर्णतः विश्वास हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? वीडियो बहुत ही मज़ेदार था और ऐसे ही वीडियो आप आसानी से अपने YouTube चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।